तो जेउसो ने ब्रॉन ब्रेकर को हराकर आईसी चैंपियनशिप को जीता, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा शॉकिंग मोमेंट था मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। लेकिन अब दोस्तों जो ब्लड लाइन की स्टोरी है, ये शायद हमें कुछ इस तरीके से लीड होती हुई नजर आ सकती है कि जो अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है, जहां पर जेउसो वर्सेज ब्रॉन ब्रेकर के बीच में आईसी चैंपियनशिप के लिए हमें मैच देखने को मिलेगा, और इस मैच के अंदर दोस्तों हमें कुछ शॉकिंग फैक्टर फिर से देखने को मिल सकता है। जयराम जी की दोस्तों स्वागत आप सभी का रेसलिंग डेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे उसो के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में होने वाले मैच के बारे में, कि इस मैच के अंदर क्या जे उसो अपनी चैंपियनशिप को हारने वाले हैं, जिसके चांसेस दोस्तों काफी ज्यादा हैं। दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली रेसलिंग का कंटेंट देखने के लिए। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से इस स्टोरी लाइन के अंदर हमें जिमी उसो देखने को मिलने वाले, यानी कि अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में भी हमें जिमी उसो देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हमने इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखा था कि जिमी उसो यहाँ पर जे उसो को मनाने के लिए आए थे, लेकिन भाई जे उसो तो अपने भाई जिमी उसो की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं आए। उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई तू मेरे सामने से यहाँ से हट जा, मेरे रास्ते और तेरे रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं। और स्मैकडाउन के शो के ऊपर जो रोमन रेंस है वो भी बात बोल चुके हैं कि मुझे जे उसो की ज़रूरत है नहीं, और मैं इस चीज़ को अकेले तुम्हारे साथ जो ब्लड लाइन है सोलो सिको वाली उसको सॉर्ट आउट यहाँ पर कर सकता हूँ। तो यानी कि जे उसो और रोमन रेंस दोनों पार्टीज़ को यहाँ पर एक ही बात पर आना है। लेकिन स्टोरी लाइन के अंदर हमें कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि अभी फिलहाल जो दोनों पार्टीज है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सैड है। जो पास्ट के अंदर इनके साथ चीज़ें हुई है उसको लेकर इनके बीच में अभी जो मन मुटाव है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो जे उसो और ब्रॉन ब्रेकर का जो मैच होने वाला है, शायद इस मैच के अंदर हमें सोलो सिको वाली ब्लड लाइन की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से जे उसो शायद इस मैच के अंदर हार सकते। तो अगर सोलो सिको वाली ब्लड लाइन हमें इस मैच के अंदर देखने को नहीं मिलती, तो फिर भी दोस्तों यहाँ पर चांसेस है कि जिमी उसो तो हमें देखने को जरूर मिलेंगे। और अब दोस्तों इस बात के ऊपर काफी ज्यादा हमें ऐसे रूमर सुनने को मिल रहे हैं कि जे उसो इस मैच के अंदर हारने वाले हैं, और ब्रॉन ब्रेकर शायद इस मैच के अंदर नए चैंपियन देखने को मिल सकते हैं। और ये जो चीज है ये शायद लीड करने वाली है ब्लड लाइन की आने वाली स्टोरी लाइन की तरफ, जहां पर दोस्तों जे उसो का दिमाग खराब होगा कि वो किस तरीके से अपनी जो 14 साल के अंदर उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, उसके बाद उन्होंने सिंगल चैंपियनशिप को जीता और वे उनका जो रेन है ये इतनी जल्दी एंड हो गया। तो जे उसो का इस तरीके से दिमाग खराब हो सकता है। इस चीज के अंदर ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि भाई अगर जिमी उसो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आ रहे हैं तो भाई जे उसो किस तरीके से इस मैच के अंदर हारेंगे। अगर इस मैच के अंदर जिमी उसो की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलने वाली है तो भाई मैच तो ये अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है, और ब्लड लाइन की स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है ही है। लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि जे उसो और ब्रॉन ब्रेकर का जो मैच है ये भाई काफ़ी ज़्यादा हमें अनप्रडिक्टेबल देखने को मिलने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर जे उसो अपनी चैंपियनशिप को हारने वाले हैं। तो बस दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो इतनी सी थी। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग का कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपने अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।